नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंटर ग्लोबल लिमिटेड एवेंचर के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अभी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। और अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे सिंबॉलिक नेम देख सकते हैं, इसका लिस्टिंग डेट देख सकते हैं, ये एयरलाइंस में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ए पी सेक्टर का भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसका कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिनों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इसका वीक है, माइनस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे जितना हम कह रहे हैं वही इसके नज़र हम पे यहाँ पे गई है कि एक दिन का रिटर्न देखे यहाँ पे, तो किस तरीके से यहाँ पे हो सकता है जो लेवल अभी यहाँ पे बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा चार्ट के ऊपर बहुत बढ़िया दिखने वाला है। यहाँ पे देख सकते एक मंथ का भी इसमें नेगेटिव दिया है और एक ईयर्स करके तो अच्छी बात है, एक ईयर्स लंबी अवधि के लिए आप छोटा सा एक साल से लेके उसके ऊपर वाले तक आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें नज़र में रख के ध्यान में रखें तो इस तरीके से मैक्सिमम रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यार प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उसका अच्छा बड़ा, फिर थोड़ा सा माइनस में चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं फिर एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला, एक अच्छा फिर से बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए यह काफ़ी हद तक कम हो गया, इससे बहुत कम हो गया, इससे बहुत कम हो गया, इससे बहुत कम हो गया और अब यहाँ पे कम चल रहा है। तो एक बार यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे तो ये साल है यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक काफ़ी हद तक माइनस में चला गया है और ये 14 में बहुत माइनस में चला गया। अच्छी बात है उसकी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साल था यहाँ से 15 से लेके 18 के बीच में इसका अच्छा बन रहा था, नहीं क्या? चलिए चार्ट के ऊपर किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल आपके सामने यहाँ पे बन रही है ये हिसाब से अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल यहाँ पे जो बनी है, यहाँ पे एक लाइन अगर हम यहाँ पे खींचे इस तरीके से, एक सपोर्ट जोन था वहाँ पे, ये सपोर्ट जोन के नीचे यहाँ पे चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और ये टूट गया है नीचे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इस लेवल जहाँ पे सपोर्ट था, ये हाई बनाया था उसने, यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई अच्छा बना था लेकिन उससे पूरा डाउन होते चला गया, काफ़ी दिनों से ये डाउन हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा माइनस में दिखा रहा है आपको वीकली डेली मंथली नहीं क्या। तो इस हिसाब से अभी यहाँ पे आप अगले स्ट्रैटेजी का, इससे पहले एक मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं, मंथली चार्ट के क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे किस तरीके से आपका इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो एक बात है यहाँ पे देख सकते हैं, ये अच्छी बात है, यहाँ से उठकर मंथली चार्ट पे एक अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, उसके ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे काफ़ी दिनों से, यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 4 मंथ से ये ऊपर जा रहा था, बाद में यहाँ पे 3 मंथ से अभी ये नीचे आ रहा है। हो सकता है इस ट्रेड लाइन को यहाँ से तब तक जाएगा या फिर इस तरीके से उठेगा, तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे खड़ी हो जाती है तो हम यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं, ये लेवल है जो कि यहाँ पा, ये तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल है 2040 का राउंड फिगर करते हैं हम यहाँ पे, ये सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हो सकता है कि ये सपोर्ट आपको मंथली चार्ट के ऊपर दिखाई दे, लेकिन उससे पहले अगर हम डेली चार्ट के ऊपर आते हैं और एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहा था कि ये लगभग 2000 की रेंज है, नहीं कि ये 2000 की रेंज कहाँ पे आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेंज आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर यहाँ पे मिल जाती है, इसके आसपास रेंज यहाँ पे इस जोन में मिल जाती है 2000 की रेंज आपको। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ते हुए यहाँ तक गया और यहाँ से थोड़ा सा अभी यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो एक ये लेवल हम कह सकते हैं कि ये लेवल हमें यहाँ पे जो यहाँ पे भी सपोर्ट हो सकती है, ये कौन सी लेवल है लगभग आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल कह सकते हैं कि हम लगभग 23 की लेवल है यहाँ पे 20 की, यहाँ पे ये लेवल है, ये लेवल पे सपोर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट उसने तोड़े है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ का सपोर्ट उसने तोड़ा है, यहाँ का सपोर्ट तोड़ा है, यहाँ का सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद ये नीचे चल रहा है, नीचे चलने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो अभी लेवल वही होंगी मेरे ख्याल से, ऊपरी लेवल पे तो जाने के चांसेस बहुत कम है उसके,
और एक RSI की मूवमेंट भी देखे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे RSI अभी कितना चल रहा है, 32 पे चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे RSI 32 पे चल रहा है। एक हमारे जो हम कह रहे हैं इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन सकता है, यानी कि 2300 पे उसका सपोर्ट अच्छा बन सकता है। अब ये जो लेवल है RSI की वो थोड़ा सा नीचे आके फिर इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से इसने मूवमेंट पकड़ी है, यहाँ से पूरा नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर थोड़ा साइडवेज मार्केट रहा है। तो दो इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं कि RSI का लेवल भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है और उसका स्टॉक का काफ़ी दूर से स्टॉक नीचे डाउन मूवमेंट में चल रहा है, यानी बेरिश मूवमेंट में चल रहा है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट के चांसेस हमें मिल जाते हैं क्या, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये लेवल हमें देखना पड़ेगा, यानी कि 2300 की लेवल है, 2320 की लेवल है। अगर ये टूट जाती है तो हम तो छोटे क्वांटिटी में सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। उसके बाद जब 2300 की लेवल टूट जाती है तो बड़ी क्वांटिटी में आप इसमें शॉर्ट मार सकते हैं। ये अगर लेने का चांस है, बाय करने के चांस है, तो आपको यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे 2300 के आसपास आपको यहाँ पे अच्छा मौका मिलता है। और ये 2300 का मौका कब दिया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लगभग जून में यहाँ पे मार्केट गया था, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा अगर सपोर्ट लेता है तो अगली लेवल हम कह सकते हैं कि उसके बारे में 2500 की लेवल हम रख सकते हैं सामने, अगर बाय करने का है तो शॉर्टिंग करने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अगला टारगेट 2500 का हो सकता है बाइंग के चांसेस में, अगर यहाँ पे आपने बाय किया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले गए समझो, तो आप 2500 का टारगेट रख सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही है।